सत श्रीकाल जी सारे नूं, मैं रवनीत ESS ग्लोबल तो रोज़ रोज़ कैनेडा के स्टूडेंट्स नूं मिलते हैं। कैनेडा दे विच बहुत सारिया चेंजेस चल रही, एप्लीकेशन्स डिले हो रही, रिफ्यूजल्स बहुत बच्चों की आ रही, बहुत सारे फैक्टर निकल के आते एप्लीकेशन दे विच भी की रीजनस हो सकते हैं, जिन्हां दे विचों एक मेजर रीजनस बच्चों का निकल के आता कोर्स रेलीवेंसी। क्योंकि कैनेडा दे विच अज सब नूं पता कि जे असीं अज जुलाई मंथ दे विच बैठे हाँ तो इनटेक अपलाई कर रहे हो जनवरी या अगला मई 2023 मिलता। सो बच्चा हर कोई चाहता कि मैं जल्दी तो जल्दी बाहर चले जावां, इस चक्कर दे विच वो अपना कोर्स सिलेक्शन दे विच बहुत वड्डी गलती कर जांदा। बच्चा ये कन्फ्यूज़ हो जाता कि यह कोर्स मेरे ना रेलीवेंट है भी या कि नहीं है, या एजेंट्स वालों एग्जाम्पल दे दित्तियां जांदियां जी साडे इस कोर्स दे विच वीजे बहुत आए आ, या जिस सिटी तुसी जाना चाहते हो उस सिटी दे विच तुहाडी फील्ड नाल रिलेटेड कोर्स पिया आ। बच्चा शायद नैट तो उस चीज़ की रिसर्च नहीं करता कि इस सब एक कोर्स के कंटेंट्स की ने, ये मेरे ना 100% रेलीवेंट करता कि या मैं भी एक भीड़ चाल का हिस्सा बन रहा भी ठीक है जी पहला वाले वीजे लगे तो मेरा भी वीज़ा लग जाएगा। इस चीज़ के सब तो मेजर कोर्स है जी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स। आर्ट्स पास आउट बच्चा, मैडिकल पास आउट बच्चा, कोर्स रेलीवेंसी देखते हैं जी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दिता। जिदा आप कहने ना पंजाबी दे विच कि आलू नू हरेक सब्जी च वरत लिया जाता, कितने कितने मैनू लगता अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हरेक जगह वरत्या जा रहा, जिथे बंदे नू कोई कोर्स नहीं मिलता उत्थे चक के उन्हूं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे दिता जाता। बच्चे नू पुछया भी तू इस केस दे विच की कीता सी काउंसलिंग दे विच, बच्चा कहता जी मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ एको चीज़ की डिमांड की सी कि जी मैं तो ब्रैम्पटन जाना, मेरे उत्थे रिश्तेदार है, मैं तो होर किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। सो जो उन्होंने कहा कि ब्रैम्पटन दे विच तेरा कोर्स इनटेक च अवेलेबल ही नहीं है, सो कह सर मेरे तो एजेंट ने मैंने कहा जी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हैगा ये तेरी फील्ड ना रेलीवेंट आ। सो एक बहुत वड्डी मिसटेक कि बच्चे ने अपनी प्रेफरेंस सिटी की फिक्स की सी, ना कि कोर्स की। एजेंट्स की जो सलाह ली उन्हें, एजेंट कहता कोई इशूज़ नहीं इस कोर्स के बच्चों के वीजे लगते हैं। उत्थे सैकेंड मिसटेक हुई मेजर, तुम कंटेंट्स चैक कर लो, कोई भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स से जो आप कंटेंट्स देखते हैं वो बच्चे की जी ज़्यादातर फील्ड एजुकेशन का पार्ट आता। आपां इत्थे भी पंजाब दे विच अपने बच्चों को स्कूल च स्टडी करन लई भेजदे आं, चाहे वह छोटे क्रच स्कूल्स ने चाहे वह जिहड़े वड्डे स्कूल्स ने, आपां किते भी उस जगह अपने बच्चे नूं भेजदे जिथे 12वीं पास आउट टीचर लगा होवे। किते ना किसे को जां एजुकेशन फील्ड की डिग्री होएगी या किसे को ETT या NTT का डिप्लोमा किया होगा। इस तरह ही जदों इत्थों 12वीं पास बच्चा बाहर अपलाई करता, आपां किद्दां कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि उन्हूं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन च वीज़ा मिल जाएगा, जिहदा कि मतलब आ कि छोटे बच्चों नूं पढ़ाना। जो बच्चे नैट पर सारिया चीज़ा दिखाई जाए फिर बच्चा कहता कि ना कि मैं गलती कर ली जी, तुम मैंने इस चीज़ की कलैरिटी दे दी है, बट जे वो इस चीज़ को पहला देखता तो शायद वो एक या दो रिफ्यूजल लैन तो बच जाता। चंकी भली प्रोफाइल का बेड़ा गर्क ही सिर्फ इस करके किया, इनटेक चाहिए जी, ये सिटी चाहिए जी, एजेंट ने कहा कोर्स रेलीवेंस है। ट्रेंड में हमेशा देखना बहुत जरूरी होंगे, जरूरी नहीं है जिस कोर्स के वीजे असी 2019 ले ले जो 5.5 बैंड वाले दे भी वीजे आते सी तो 2022 भी सेम रिजल्ट दे के जाएंगे। अज की डेट के जे कोर्स रेलीवेंसी भी है कैनेडा दे विच फिर भी 10-20% अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी रिजल्ट आ रहा क्योंकि कैनेडा दे विच फाइलों का रश जो गुड 28 लाख फाइल है जिड़िया ग्लोबलाइज तो आप गल करिए नॉट ईवन इंडिया तो पूरे वर्ल्ड तो अपलाइड आ, जिदे विचों करीब 18 लाख के आसपास फाइल सिर्फ तो सिर्फ इंडिया चो लगिया गई। कि इनिया बड़िया फाइलों के साडा कोर्स रेलीवेंसी मैटर नहीं करेगी, 100% मैटर करेगी क्योंकि असी एक छोटा जिहा क्लू दे रहे हैं अगले नूं वीज़ा रिफ्यूज़ करन दा। सो मेरी रिक्वेस्ट है जिन्हें भी बच्चे आर्ट्स वाले ने या मैडिकल वाले ने अपनी कोर्स रेलीवेंसी जरूर देखो, GNM पास वर्गे बच्चों भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कोर्सों अप्लाई करके दिता जाता है। BEd की है किसी ने समझ लगती है बच्चे के लिए कोर्स रेलीवेंसी बन सकती है, बट GNM BSc नर्सिंग 12वीं आर्ट्स 12वीं मैडिकल इन सारे बच्चों लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स 100% रेलीवेंट नहीं है। सो किसी दिन भी गलों च ना आओ, अपने कोर्स की आप स्टडी करो नैट के उत्ते, कंटेंट्स पर सबजैक्ट्स देखो तुम्हें वो की अगे पढ़ना है, तो उस कंसल्टेंट चूज़ करो जिहड़ा कंसल्टेंट तुहाडे कोर्स पर फोकस कर रहा, ना कि इस चीज़ पर फोकस कर रहा मैं तैनूं जल्दी इनटेक दे दाँगा जां मैं तैनूं वो एरिया दे दाँगा जिथे तेरा रिलेटिव रहिंदा, जिथे तुहाडी जिहड़ी प्रेफरेंस आ वो एरिए ते इनटेक च बदली उत्थे वीज़ा एप्लीकेशन रिजैक्ट होने चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। कैनेडा दे विच एक चीज़ का खास ख्याल रखना, कैनेडा एक इहोजी कंट्री आ जिहड़ी रिफ्यूजल तो बाद मौका दिंदी दुबारा अपलाई करन दा, अदरवाइज़ यही गलती तुसीं आस्ट्रेलिया या UK वर्गी कंट्री च कीती होवे ते वीज़ा दुबारा अपलाई भी नहीं कर सकते। इस चीज़ के ही एक होर एग्जाम्पल दिना स्टूडेंट से, महाक कॉलेज तो स्टूडेंट रिफ्यूज़ सीगा 2 वारी, दसुए का स्टूडेंट सीगा पिछले इनटेक के मैनू मिल के गया,
दो बारी रिफ्यूज आ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन चो, बारहवीं मैडिकल चो की 80% नंबर 6.5 बैंड बच्चे दे। जो पूछेगा उस बच्चे ने ऑनलाइन भी एक सेमेस्टर लगाया, उन्होंने यह नहीं पता लगता जी मैं ऑनलाइन पढ़ता फिर मेरा वीज़ा रिफ्यूज किदा हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता कि शायद ऑनलाइन जो स्टडी करांगे असी एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रूव होवांगे। जो बाद दे विच उस बच्चे दीआं दो रिफ्यूजलां तों बाद रीअप्लाई किया, तीसरी बारी वीज़ा आया, तो दैन उस बच्चे को पता लगा कि सब तो वड्डी मिसटेक ही इस चीज़ की सी कि मैं कोर्स रेलीवेंसी ही नहीं देखी, मैं सिर्फ कॉलेज देखता रहा कि मेरा पब्लिक है, मेरा कोर्स जी मेरे एजेंट ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लिखा, तो मैं ऑनलाइन क्लासा लाइया, मेरा वीज़ा तो आया मेरे 6.5 बैंड आ। सो इस मौके को गवाओ ना, ऑलरेडी कैनेडा दे विच 4 to 6 महीने का टाइम लगता वा, प्रोसैसिंग टाइम, ऑफर लैटर का कह लीए, अंबैसी का टाइम कह लीए, सारा कुछ पा के अज जी असी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो इनटेक जिहड़ा सानू अगला जनवरी या मई दे रहा। बहुत सारे कॉलेजों की तो मई दी भी कई सीटा भर गई। सो इदा का कोई भी अपना टाइम ना वेस्ट करो, कोर्स रेलीवेंसी पर फोकस करो, तो ईएसएस ग्लोबल को अपना कैनेडा जाने का सुपना साकार करो। धन्यवाद।